अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। हमारे पास ये चिकन है, हम इसको काटेंगे। इस चिकन की बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपके पास जो चिकन हो आप उसकी भी बना सकते हैं। हमने चिकन की बोटियां दरमियाने साइज की काटी हैं। अगर आपको छोटी पसंद है तो आप छोटी भी काट सकते हैं। ये हमारे पास चिकन तैयार है, इसको वॉश करके अब हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 किलो चिकन में 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, दरफड़ मिर्चें 1 खाने का चम्मच, दो से तीन खाने के चम्मच लीमू, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, छोटी इलायची 1/2 खाने का चम्मच, सूख मिर्चें 1 खाने का चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी 1/2 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, साबुत मसाले और ज़ीरा भी मैंने डाला है 1 चम्मच, 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर, 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, तकरीबन 200 ग्राम दही, 2 से 3 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला, मेरे पास शान वालों का था मैंने वो डाला है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे किसी ठंडी जगह पर। अगर आपके पास टाइम हो तो आप रात को बनाकर रख सकते हैं। आइए अब हमें जो तह के लिए चीज़ें चाहिए हम वो देखते हैं कि वो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिरयानी में मुझे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो कोई एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 3 कलर लिए हैं, 1/2 लीमू, 1/2 टमाटर, 1/2 प्याज, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और धनिया पुदीना। और ये मेरे पास मैंने प्याज ब्राउन किए हैं 1 दरमियाने साइज़ का। एक किलो चावलों को हमने 50% उबाल लेना है। इसमें मैंने नमक डाला है। आइए बनाना शुरू करते हैं। गोश्त को 3 से 4 घंटे के बाद 1/2 कप पानी में तेज़ आंच करके हम थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट। और इसमें 1 कप मैंने ऑयल ऐड कर रही हूँ।
चार से पाँच मिनट के बाद अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल हम आधे डालेंगे। इसको चावलों को फुलाने के बाद हमने दम के लिए जो चीजें काटी थी वो सारी लगाएंगे। तह में लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिर चावल डालेंगे जो हमारे आधे बचे हुए हैं। सबसे ऊपर मैं सब मिर्चें और थोड़ा सा लीमू और कलर वगैरह डाल दूंगी। कलर डालने के बाद हम ऑयल डालेंगे। दम देने के लिए चूल्हे को हम लो फ्लेम पर रखेंगे। ऑयल डालने के बाद हम फोलिया लगाएंगे और चावलों को दम देंगे 40 से 45 मिनट। आप इस पे चाहें तो कोई वजनी चीज रख दें जिससे भाप बाहर ना आए। हम तकरीबन 40 मिनट के बाद खोल रहे हैं चावलों को। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चावलों को मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मैं आपकी राय की मुंतजिर रहूँगी। कुछ नया लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।